इसके बाद हम सीखते हैं सम इफ। जैसे हमने काउंट इफ देखा, सम इफ भी सेम वैसे ही काम करता है, बस यहाँ पर वो काउंट करने के बजाय सम करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक टेबल मेरे पास गिवन है, ये रही एक टेबल, और इस टेबल में मुझे यूएसए का अमाउंट सम करना है। यूएसए का सेल्स अमाउंट मुझे सम करना है, यानी कि मुझे यहाँ पर फिल्टर करना है यूएसए और अमाउंट करना है सम ये वाला। तो यहाँ पर आप दो कॉलम हो गए। तो आप जब सम इफ लगाएंगे तो सबसे पहले ये रेंज मांग रहा है, तो रेंज में हमेशा वही देंगे जिसमें हमारा कंडीशन है। कंडीशन हम क्या है, कंडीशन है हमारा यूएसए होना चाहिए, राइट। तो यूएसए कंट्री कॉलम में है तो मैं कंट्री कॉलम सेलेक्ट करता हूँ। ओके, अब कॉमा। अब जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, कंडीशन है यूएसए होना चाहिए। ओके, मैंने यहाँ पर यूएसए लिख दिया, हम चाहे तो यहाँ पर रेफरेंस दे सकते थे। अब देखो, अगर आपकी जो रेंज है उसी को सम करना है तो अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर सकता हूँ। लेकिन आप देखेंगे ध्यान से, कंट्री कॉलम से मुझे कंडीशन तो लगानी है लेकिन सम नहीं करना, सम मुझे ऑर्डर अमाउंट को करना है। तो फिर एक और रेंज है, यहाँ पर तीसरा पैरामीटर भी आ जाता है, तो तीसरा पैरामीटर है सम रेंज, इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर। तो इसने जो अमाउंट दिया है वो दिया है सेल्स अमाउंट यूएसए का। तो देखते हैं यूएसए कितने हैं हमारे पास, हमारे पास ये चार यूएसए हैं, तो इन चारों का अमाउंट 7249 आता है। ठीक है, तो 7249 यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप यूके का लगा सकते हैं, यूएसए का। अब देखिए, अगर हम ये बात करें कि 1 जुलाई 2007 से ग्रेटर देन कितना है, तो भी हम सेम यही कंडीशन लगाएंगे, सम इफ रेंज है मेरी क्योंकि डेट है, तो डेट में रेंज आएगी और कंडीशन होगी वही ग्रेटर देन 1 जुलाई 2007 और सम रेंज हो जाएगी यही वैल्यू, ओ सॉरी ये वैल्यू। ठीक है, और फिर एंटर करता हूँ, तो एंटर आ गई 12,000 कुछ यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए सेम अमाउंट, अब ये कंडीशन है कि जो अमाउंट है वो 2000 से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो यहाँ पर भी हम सम इफ लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर रेंज भी सेल्स अमाउंट है, कंडीशन मेरी ग्रेटर देन 2000। अब देखो इस केस में मुझे सम रेंज देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सम रेंज और रेंज दोनों एक ही हैं यहाँ पर, तो जब हम इसको इग्नोर कर देंगे लास्ट वाली को तो रेंज ही सम रेंज हो जाएगी। ओके, तो अब मैं इसको एंटर करता हूँ। देखिए, तो इसने 2000 से ऊपर का जो अमाउंट है उसको सम कर लिया, तो इसे सम किया होगा, इसे सम किया होगा, तो ये 6088 है जैसा कि यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है।